हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज दिन आ गया अपना घर जाने का। निकल रहा हूँ मैं चंडीगढ़ के लिए। बस एक दो दिन के लिए आया था। मंदिर भी निकल गया है सुबह ही, वो चला गया था। बस अभी मैं भी निकल रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं चंडीगढ़ में। रास्ते में जो भी होगा, अगर रुकना हुआ तो रुकेंगे, वैसे मैं सीधा चंडीगढ़ ही निकालता हूँ गाड़ी। चलो भी मैंने गड्डी चो ला लिया सी। शगना शुगना का भी काम होंगे, ये तो जरूरी होंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त नोट ही नोट हो गए, ये भी जरूरी है। एक तो सोच के दिल करता है यार, हर हफ्ते ही गेड़ा मार लिए है। दिल तो होता ही है कि यार चल ऐसे, जो नानके में सुख मिल जाता है ना यार बच्चे को, वो कहीं नहीं मिल सकता। और नानके कहते हैं ना, खास बात ये है, यहाँ पे हम ना मम्मी के नाम से जाने जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सानू थोड़ी कोई जानता हो रहा, कोई कुछ, सिर्फ मम्मी नू जानते हैं। मम्मी के कारण सानू साड़ी इज्जत होंगी है। मजा लग रहा कोई सानू हाथ ला दे या कोई कोई गलबात भी कह दे, साड़ी नानी आ जाती है बच्चे किसी भी तरह। साड़ी मम्मी नू भी नहीं हाथ ला दी सानू ना, बच्चों नू नहीं कुछ कहना। ठीक है, प्यार है यार ये भी। बस जाना पड़ रहा है, जल्दी जा रहे, नहीं तो मैंने जाना नहीं था। बचपन में ऐसा होता था, सारे शगन मम्मी ले लेते थे। अभी भी वो ऐसा ही होता है, सारे शगन ले लेते थे भाई। और शगन शुगन देना तो दे दियो। चलो हूँ सबनों पैर छून का टाइम आ गया। पैर छू के फिर निकलते हैं यार। निकल नहीं दे रहे, अज जा नहीं दे रहे थे। जबरदस्ती पैके खड़ दो यार, जाना है। चलो चलो ठीक है, चलते हैं। ठीक है, चलो भाई लाइट स्टार्ट हो गई। अब पता लग गया चंडीगढ़ आ चुका है प्रॉपर। अब हर एक किलोमीटर पे लाइट मिलेगी। अब यहाँ पे घर पे पहुँचना मेरे लिए आफत हो जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम भी भाई ऑफिस का टाइम है, ये ऑफिस टाइमिंग है। तो भाई मैं पहुँच गया था घर, अभी हुए हैं 5:30-6:30। पर मैं जा रहा हूँ रनिंग के लिए। मेरे को बस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस ऐसे दिमाग घूम गया, मैं जा रहा हूँ। थका हूँ सच में, बॉडी टूट रखी है। लेकिन ये जो दो दिन निकले ना मेरे पिंड में, एपिक डेज थे। मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट पार्ट था ये दो दिन। तो चलो, अब मैंने कहा शरीर टूटा हुआ है तो रेस्ट नहीं करनी है अभी, थोड़ा सा और तोड़ के आते हैं। बने रहना वीडियो में, रनिंग होगी अब। देख भाई मैं आ गया हूँ रनिंग करने के लिए। वैसे आया तो साइकिल पे था, साइकिलिंग करके आएगा। बस ज़्यादा नहीं करूँगा आज, 3-4 राउंड लगाऊंगा, फिर घर के लिए निकलते हैं। मेरे को पता हो यार यहाँ पे पहुँचा नहीं, प्यास लगने लगी। और आज मैंने साइकिल में बोतल भी नहीं रखी। चलो पहले नॉर्मल वॉक करेंगे, मतलब यही फास्ट वॉक, उसके बाद रनिंग। और भाई मेरा ना कोई टाइम नहीं होता रनिंग का, चाहे सुबह आ जाऊँ, दोपहर को आ जाऊँ, शाम को आ जाऊँ, मेरा कोई टाइम नहीं है। जब ठीक लगता है तभी आ जाता हूँ। भाई मैं निकल गया हूँ रनिंग करके। हाँ मतलब सीधा घर जा रहा हूँ। तो भाई रनिंग वगैरह करके मैं कहता घर पे, घर से आया हूँ मैं कुछ काम के लिए। तो याद आया यार गाड़ी में तेल भी नहीं है, तेल भी डलवाना है। पिंड से आया ना तो बिल्कुल भी जीरो पड़ी है, तो सब तेल डलवाने जा रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं घर। तो मैं आ गया था घर पे रनिंग करके, उसके बाद मैं गया पेट्रोल डलवाने के लिए, वो भी डलवा लिया था। टाइम हो गया 9:30। बस अब आगे घर पर बैठा हूँ मैं। और अब यार मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, एक तो मेरी डेली की एक्सरसाइज, मतलब कि जिम जो स्टार्ट करना है मुझे, वो करना है। बहुत टाइम हो गया यार बाहर बाहर, हमेशा बाहर। और दूसरा मुझे स्टार्ट करना है रनिंग, और साइकिलिंग तो चली रही है साथ साथ, जो भी करना है। ये दो चीज़ें मुझे स्टार्ट करनी है। अब मैं कल से स्टार्ट करता हूँ। पहले टाइमिंग मेरा फिक्स नहीं है कि मैं रनिंग के लिए सुबह जाऊँगा या शाम को जाऊँगा, ये फिक्स नहीं है। जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे जाऊँगा, ठीक है ना। और यार पिंड में भी बढ़िया रहा, आपने देखा ही है, पिंड भी ज़बरदस्त रहा है। मतलब ये टाइम, सच में टाइम जो बीत जाता है ना दोबारा नहीं आता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो टाइम निकल गया है, अभी जो निकले हैं दो दिन। और मामू का भी फ़ोन आया था कि उड़न षष्ठी भी आ रही है, जगन्नाथ टेम्पल में भी प्रोग्राम है, इस जो 18 को प्रोग्राम है। तो ठीक है चलते हैं, उसके लिए भी जाना है लुधियाना में, जगन्नाथ जी की ड्रेसेस लेके आनी है। अपनी पूरी मेहनत करने लगा हूँ यार। मुझे पता है अभी चैनल ग्रो नहीं हो रहा है यार, बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। और कुछ वीडियोस मैं लंबी इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वो मेरी फैमिली वीडियोस होती है। जैसे कि मैं पंजाब में अपने नानके में बनाता हूँ वीडियो, वो मैं इसलिए बनाता हूँ लंबी कि ठीक है यार एक याद रहती है। मैं तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए करते रहो। अभी कुछ भी रीच नहीं जा रही है मेरी वीडियोज़, कुछ भी नहीं जा रही है, लेकिन बस मैं लगा हूँ, कर रहा हूँ अपनी तरफ से मेहनत। जितना हो सकता है आप मेरी सपोर्ट करो, थोड़ा तो यार आगे लेके जाओ जितना हो सकता है। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा।